आप देख रहे हैं खबर NDTV रिश्ता हर खबर से। इस बार जो चुनाव हो रहा है कांग्रेस और बीजेपी में कट कर पार्टी का टक्कर होने वाला है। एनीवे इस बार पार्टी का टक्कर होने वाला मावल जी, इस बार चुनाव के साथ किस तरह से होगा आपका? देखिए, चुनाव हमने विकास किया, विकास करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हमने 2009 से लेकर 2014 तक विकास किया और 2014 में हारे, उसके बाद भी जनता के बीच में रहा, जनता के सुख दुख में सम्मिलित हुआ। तो मेरा विकास का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी धर्म और जात पर वोट मांगता है। यदि उतना ही MP उतना है जो चुनाव लड़ रहे हैं, अपने विकास के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं और हम अपने किए हुए काम पर वोट मांग रहे हैं, सम्मान देने पर वोट मांग रहे हैं, दोनों में अंतर है। महावीर जी, इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें युवाओं को लेकर खासकर बात हो रही है, युवाओं का जोश, युवाओं को, तो अगर आप जीत के आते हैं या अभी क्यों करने जा रहे हैं, युवाओं के लिए क्या करेंगे? युवाओं के लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब साउथ कैंपस बन सकता है, नॉर्थ कैंपस बन सकता है, तो वेस्ट कैंपस क्यों नहीं, हम वेस्ट कैंपस लेके आएंगे। पहला नहीं, कई दफ्तर खुले हैं और यहाँ भी खुले हैं। ये मटियाला विधानसभा का दफ्तर खुले हैं और पहला दफ्तर मटियाला खुले हैं और खुलेंगे, विधायक जी साथ में, जिला अध्यक्ष साथ में, बहुत सारे दफ्तर खुलेंगे और काम सुचारू रूप से। मामा जी, पिछली बार चुनाव में आए थे तो आपने काफी काम किया था, इस बार आप जीत के आने ही वाले हैं, तो इस बार ऐसा कौन सा है जो आपने पिछली बार काम नहीं हो पाया? मेट्रो का विस्तार, जो नांगलोई से नजरगढ़ होते हुए और ब्रिजवासन होते हुए NH8 पर जोड़ने का काम, ढासा स्टैंड से लेकर ढासा गांव तक जोड़ने का काम, जनकपुरी से जो हमारा मुकरवा चौक तक वहां से जोड़ने का काम, एक काम करेंगे और जोड़ेंगे, विस्तार करेंगे और यूनिवर्सिटी लाने का काम करेंगे और जो कॉलेज जो हमारा निम्स बन रहा था नजरगढ़ में तो रुक गया है, उसको चालू करें। अभी हाल में ही लेंगे की घटना है, तीन लोगों का एक्सीडेंट, उनके कार्यकर्ता में एक्सीडेंट किया, जिनमें से एक की मौत हो गई, क्या इस तरह बेलगाम गाड़ियां चला रहे हैं अपने चुनाव प्रचार में? देखिए, मैं जिनकी मृत्यु हुई आत्मा के शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और मैं उनके विषय में और ज्यादा नहीं, जो पार्टी है अब किस इंक्वायरी का विषय है, इंक्वायरी हो और उस गरीब को मदद मिले, लेकिन जनता जाने जो पार्टी कैसी है, किस तरह से गाड़ी चला रहा था, वो रैली निकल रही थी, रैली में मरा, तो रैली में उस पार्टी का गाड़ी जो चला रहा था, किस स्थिति में गाड़ी चला रहा था, उसका इंक्वायरी का विषय है। आप देख रहे हैं खबर NDTV रिश्ता हर खबर से।